अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गुलनाज कुकिंग। आज हम बनाएंगे मोती चूर के लड्डू। ये बहुत ही मज़ेदार लगते हैं खाने में और आप इसको एकदम इजीली बना सकते हैं। ये मेरे पास चने की दाल है, मैंने ये 2 कप चने की दाल ली हूँ। इसको हम वॉश करके 3 से 4 घंटे के लिए भीगने रखेंगे। 3 से 4 घंटे हो गए और ये दाल अच्छी तरह से भीग चुकी है। आप देख सकते हैं एकदम सॉफ्ट हो गई है ये इस तरह से। इसका हमने पानी अच्छी तरह से निथारे हैं और इसको हमने छन्नी में रखे हाफ आवर के लिए, तो इस तरह से ये एकदम ड्राई हो गई है। अब इसको हम बारीक पीसेंगे मिक्सर में और इसमें पानी का इस्तेमाल नहीं करना है पीसने के टाइम में। इस तरह पीसना है हमको। गैस पे हमने कढ़ाई चढ़ा दी, इसमें ऑयल डाले हैं और जो ये हमने दाल पीस के रखे हैं बिना पानी के, ये आप देख सकते हैं, इसको अभी हम छोटे छोटे इस तरह से पीसेस में डालते जाएंगे और इसको फ्राई करेंगे। इसको हम गोल्डन करेंगे फ्राई करके। ये अच्छी तरह से फ्राई हो गया है और इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब इसको निकालेंगे हम और एक प्लेट में रखेंगे इस तरह से। इसको भी हम एक प्लेट में निकालेंगे। सारे फ्राई किए, इस तरह से फ्राई हो गए। अब इसको हम पीसेंगे। अब इसको हम पीसेंगे, ये इस तरह से हमको पीसना है बारीक। अभी हमें लगेगा 2 टीस्पून, इसमें हम घी डालेंगे। थोड़े किशमिश और हम काजू लेंगे और इसको हम लाइट गोल्डन फ्राई करेंगे। अब इसमें हम किशमिश ऐड करेंगे। हमने गैस ऑफ किए, अब ये थोड़े से हम जो कलिंगड़ के बीज है इसको डालेंगे और इसको एक प्लेट में निकालेंगे। हमने 2 कप चने की दाल लिए थे तो 2 कप हम शुगर लेंगे, 1 कप पानी, 2 कप शक्कर और 1 कप पानी। हमने जिसमें काजू किशमिश जिस फ्राई किए वही घी में हमने इसको मिक्स किए। शक्कर इसमें अच्छी तरह से मेल्ट हो गई है। 1/2 टीस्पून इसमें इलायची पाउडर ऐड करेंगे। अभी इसमें हम थोड़ा सा ऑरेंज कलर ऐड करेंगे, आप अपने हिसाब से येलो भी ऐड कर सकते हैं। मैं इसमें ऑरेंज, अब हमने ये पीस के रखे हुए हैं इसको डालेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब इसमें हम ये ड्राई फ्रूट डालेंगे जो हमने फ्राई करके रखे हैं, इसको भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स किए और ये चाशनी के अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब गैस ऑफ करेंगे हम और इसको कवर करके 10 मिनट के लिए रखेंगे।
10 मिनट के लिए हम इसको कवर करके रखेंगे और फिर इसके हम लड्डू रेडी करेंगे। 10 मिनट हो गए, अभी हम लड्डू बनाना शुरू करेंगे। इस तरह के हम सारे बनाएंगे। कि हमने सारे लड्डू बना दिए, ये बहुत ही अच्छे बने हैं और एकदम दानेदार है और इसका टेस्ट भी परफेक्ट, जिस तरह मार्केट में मिलता है उस तरह का इसका टेस्ट है। इसमें हमने 2 कप चने की दाल लिए, 2 कप शुगर है और 1 कप और 1/4 कप हम इसमें पानी डाले हैं और 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर। ये इसका परफेक्ट मेजरमेंट है और बहुत ही अच्छा बनता है और सिंपल रेसिपी है और टेस्टी भी है। इसको इस तरह से ये हो गया रेडी, हमने डिश आउट किए। बहुत ही अच्छा बना है और सिंपल रेसिपी है, क्विक रेसिपी है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।